दोस्तों, मेरा नाम है बिल्टू, आप देख रहे हो ऑर्गोलॉजी चैनल। क्योंकि आज आपको बताने वाला हूँ इस चार्जर का। कल एक मोबाइल मेरे पास आया था, तो इसमें हम चेक करके देखा जो चार्ज ले रहा, क्योंकि चार्ज हो रहा क्योंकि घट जा रहा। बहुत सारे आप भी जानते हैं चार्ज देने के बाद चार्ज घट जाते हैं, क्योंकि आप कभी भी गेम खेलने से चाहे दूसरा कुछ काम कर रहा, आप देखिए चार्ज देने से आप करिए चार्ज घट जा रहा, क्योंकि चार्ज मैं नहीं बढ़ रहा। क्योंकि इसका कारण क्या है, इसका एक ही वजह है, जो इसका जो चार्ज आप जब भी लगाने जाते हैं, इसका जो चार्जर है, मुंडी है, जो आपको डाटा केबल है, इसका भी कारण हो सकता है। क्योंकि आप कभी भी इसको लगाने से बाद आपको देखना चाहिए जो चार्ज बढ़ रहा ना घट रहा, तो आपको बैटरी भी, जो मोबाइल का बैटरी बैकअप आपको ख़राब भी हो सकता है, आपको मोबाइल भी डैमेज हो सकता है इसमें। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो इसमें कौन सा चीज़ आपको देखना है, और अच्छा आपको कौन सा चीज़ देख के आपको इस चार्जर को लेना है। तो आज आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। पहले आपको एक चीज़ जरूर बताएंगे, मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साथ में बेल भी बजा दीजिए, क्योंकि मेरा जितना पहले वीडियो है आपको पास सामने आ जाएगा। इसमें आज आपको बताएंगे खोल के, क्योंकि मेरा पास एक वीवो का चार्जर है, जो आपको 2.4 का चार्जर, 2.4 एम्पीयर का चार्जर है इसमें। तो इसमें एक पूरा कंप्लीट दिया हुआ है इसमें। जब भी आप चार्जर खरीदने जाते हैं बाजार में, कोई शॉपिंग में, तो इसमें जब भी आप खरीदना जाएंगे पूरा कंप्लीट लेना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। आप सिर्फ आप केबल लेंगे, सिर्फ चाहे मुंडी आप ठीक है, चाहे आप केबल लेने से आप काम चला लेंगे। इसमें क्या होता है, बहुत सारे चार्ज हो जाता है किंतु बैटरी उसका बैकअप नहीं देते, इसका भी कारण हो सकता है। क्योंकि आप जब भी लेंगे तो पूरा कंप्लीट ही लेना, क्योंकि मेरा पास एक कंप्लीट एक मुंडी है, जो आपको आसानी से इसको लगा सकते हैं। इसके साथ भी एक डाटा केबल भी इसके अंदर में है, आप इसका अंदर पूरा कंप्लीट डाटा केबल भी है, इसको पूरा लगा के आप इसको चार्ज इसको कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बैटरी पिकअप जो है बहुत सारे क्या होता है, बहुत सारे आपको चार्ज जब भी देने से आपको काम होने का कारण है, ये भी कारण हो सकता है। इसमें कारण एक चीज़ हो सकता है, इसमें जो वाट का पावर है इसमें उतना हैवी वाट का दे देता है, कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है। काले एक मोबाइल का मेरा यही हुआ था, क्योंकि इस केबल को जब भी हम लगाने के लिए जा रहा था, इसका काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, चार्ज हो रहा है, किंतु चार्ज पॉइंट जो है 25% पॉइंट जो वो नहीं बढ़ रहा था, वो धीरे धीरे घट जा रहा। तो हम इसको क्या किया, इसमें साइड से एक छोटा जो पावर बैंक का जो डाटा केबल है उसको हम इसमें यूज़ करते, वो कर था हम साइड से उसको डाटा केबल यूज़ करने के बाद आपको चार्ज थोड़ा सा बढ़ चुका था, क्योंकि धीरे धीरे 30% हो चुका था, हम समझे ही चार्ज हो रहा, क्योंकि इसमें उसमें जो मोबाइल का सी केबल है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। इसका वजह है, यही एक ही वजह है। तो इसमें देखिए गेम खेलने से आपको क्या होता है, बहुत सारे मैं गेम खेलने से चार्ज जब हम दे के खेलता हूँ तो उसमें क्या होता है, घटते रहेगा, 25% कम हो जाता है। बहुत सारे चार्ज खेलने के बाद क्या होना चाहिए, चार्ज लगाने के बाद बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसका केबल का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसका 2.4 का वोल्ट का है, ये चार्ज ले लेता है, क्योंकि इसका केबल का थोड़ा सा, इस कंपनी का चार्जर, जब जो कंपनी का चार्जर यूज़ कर रहा है उसका ही केबल लेना, उसका केबल लेने के बाद ही आपको अच्छे से आपको जो बैटरी बैकअप है वो आपको मिलता रहेगा, आपको मोबाइल भी डैमेज नहीं होगा, बैटरी भी डैमेज नहीं होगा। क्योंकि बैटरी डैमेज हो जाएगा तो अभी तो मार्केट में आप जानते हैं बैटरी बहुत सारे कीमत में आ रहा, क्योंकि बहुत सारे माल अभी मार्केट में पूरा नहीं मिल रहा। तो इसमें आपको एक बात जरूर बता दें, जब भी आप यूज़ करना है पूरा कंप्लीट यूज़ करिए, आपको बैटरी भी अच्छा रहेगा, आपका मोबाइल भी अच्छा रहेगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज भी मोबाइल का दे रहेगा उसमें। तो आपको गाइस इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे। अरे मेरा पास एक भी ईवन का जो डाटा केबल भी है, इसका सामने देखा रहा हूँ, इसमें सी टाइप का डाटा केबल है, अभी ये भी एक सेम डाटा केबल है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि इसका केबल का थोड़ा सा फर्क हो सकता है, क्योंकि ये ओरिजिनल है, क्योंकि इसमें जो इसका सपोर्ट भी नहीं कर सकता है, इसलिए हम ई वन का है, जो पूरा कंप्लीट ई वन का लेना है तो पूरा कंप्लीट ई वन का लेना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा पता हो गया। और एक बात जरूर बताइए, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमको इसमें कमेंट बॉक्स कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम उसको आपको सोल्यूशन आपको निकालेंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो
अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब।